नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका रतूड़ी और आप सबका स्वागत करती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टुडे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने हेल्प किया है 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। ये इस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो आपके बिना पॉसिबल नहीं था, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेकेंडली, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज आज हम करने वाले हैं बैल्कनी मेकओवर। प्लांट्स हम सभी को पसंद है और हम अपने घर में उसके लिए जगह बना ही लेते हैं, तो क्यों ना उस जगह को ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि वो देखने में तो अच्छी लगे ही, वहाँ बैठकर चाय पीने में भी मजा आए, फैमिली के साथ हम वहाँ टाइम स्पेंड कर सके। तो आज मैंने अपनी बैल्कनी में जो मेन फोकस रखा है वो इस चीज पे रखा है कि वो स्पेशियस हो, वहाँ बैठने के लिए कंफर्टेबल अरेंजमेंट्स हो, एंड द फोकस शुड बी ऑन ग्रीन्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकओवर इज इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल, यानी कि अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी बिना कोई परमानेंट चेंज किए हुए आप ये मेकओवर कर सकते हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं बैल्कनी मेकओवर। प्लांट्स आर नेवर इनफ, तो मैं फिर एक नर्सरी में पहुंच गई जो हमारे घर के पास ही है, और छोटी सी नर्सरी है, बट यहाँ से मुझे कुछ एक दो छोटे छोटे प्लांट्स ही लेने थे। कुछ सकुलेंट्स मैं लेना चाहती थी और एक दो प्लांट्स और, तो मैंने सोचा नर्सरी विजिट करते हैं। सो आई हैव कम टू अ नर्सरी एंड यहाँ से मैं कुछ प्लांट्स लेकर जाऊँगी जो कि हमारे बैल्कनी मेकओवर में हमें हेल्प करेंगे। ये नर्सरी बहुत छोटी सी है, बहुत क्यूट है, यहाँ पर हर तरह के प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स हैं, लेकिन मेरी बैल्कनी में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर प्लांट्स नहीं लगा रही हूँ। तो इन सकुलेंट्स में से मैंने कुछ 3 या 4 सकुलेंट्स लेने का प्लान किया है जो आप मेकओवर के टाइम पर देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बैल्कनी का करंट स्टेटस। तो ये मेरी बैल्कनी है जो कि लिविंग रूम से अटैच्ड है, और यहाँ पर हमारे जो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स का कलेक्शन है मेरे पास, वो ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर रखे हुए हैं। ये अराउंड 5 feet विड्थ में है, अराउंड 12 feet लेंथ में है। तो दिस इज द स्पेस जिसका आज हम मेकओवर करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, बट मैं इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ एक ही चीज है जो अमेजोन से खरीदी है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगी ड्यूरिंग द वीडियो। बाकी मैक्सिमम चीजें इसमें सारी DIYs है। अभी यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं काफी सारे प्लांट्स हैं। मेरे पास एक ही वुड का कॉर्नर स्टैंड है, देखते हैं हम इसको यूज करेंगे या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये एक नीचे मेरे पास एक बेड टेबल है, इसको भी आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई विल यूज इट, क्योंकि इसको पैंथर ने चू करके एकदम खराब कर दिया है। उसके बाद मेरे पास एक ये वुड शेल्फ है, ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, काफी पुरानी हो गई है तो इसको मैंने यूज किया है, बट आई डोंट नो कि अभी हम इसको फिर यूज करेंगे या नहीं। तो आई एम प्लानिंग कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पर एक ये पिलर भी है साइड में, और यहाँ पाइप है जरूर, बट इट इज ओके, बट यहाँ से थोड़ा सा एक शेड आ जाता है फॉर प्राइवेसी लिटिल बिट। तो मैं सोच रही हूँ कि इस एरिया में हम बनाएंगे यहाँ पर कुछ सिटिंग का अरेंजमेंट करेंगे। ये रेलिंग है और ये 23rd floor पे है, इसलिए मैं कोई भी प्लांट बाहर की तरफ या ऊपर की साइड कुछ भी हैंगिंग प्लांट्स नहीं लगाना चाहती। तो इस वाली स्पेस को मैं हम अंदर की तरफ ही इसको यूज़ करेंगे फॉर हैंगिंग सम प्लांट्स। यही मेरे प्लांटर्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, अब मैं ये दोबारा और कुछ नई प्लांटर्स नहीं लेने वाली हूँ। इसके बाद ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स को अरेंज करने के बारे में सोचा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास कुछ 2-3 बड़े वाले प्लांट्स हैं इस तरह के, लेकिन बाकी मैक्सिमम सारे छोटे ही प्लांट्स हैं। ये भी एक रबर प्लांट है मेरे पास बड़ा, तो देखते हैं हम इन सबको कैसे अरेंज करेंगे। कुछ बास्केट्स हैं इस तरह के जूट के जो मैंने बनाए हैं, इनको भी हम प्लेस करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे कटिंग करके मैंने प्रोपोगेट किया है उन्हें पानी में घर पे ही, तो उनको पॉटिंग करते हैं, और कुछ सकुलेंट्स जो मैं लेकर आई थी नर्सरी से उनको भी हम पॉट्स में प्लेस कर लेते हैं।
ये जीजी प्लांट की कटिंग है जो मैंने घर पे प्रोपगेट किए है पानी में, तो इसको भी मैं पॉट में लगा देती हूँ। इसमें रूट्स आ गई हैं। अब हम सारे पॉट्स तो सिरेमिक के ले नहीं सकते, तो इसलिए जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उनको ही मैं अक्सर पेंट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास पुराना कुछ चॉक पेंट पड़ा है, इससे मैंने कुछ अपने पुराने जो ब्राउन एंड ब्लैक नर्सरी से लाए हुए पॉट्स होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करके उनको पेंट कर लिया है, जिससे कि उनका लुक अच्छा आए। साथ ही मेरे पास ये पुराना लोहे का ट्रंक रखा हुआ है, जिसको मैं बहुत टाइम से इसका कुछ अपसाइकिल करना चाह रही थी, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ इसे पेंट कर रही हूँ। तो वही चॉक पेंट यूज़ करके मैं इसको अच्छे से पूरा पेंट कर लूँगी। ये बहुत डिस्ट्रेस्ड हो चुका है, काफ़ी पुराना है। सो दीज आर ऑल माई प्लांट्स, सारे लिविंग रूम में रख लिए हैं मैंने, तो लिविंग रूम में मिनी जंगल लग रहा है, बट आई एम लविंग इट। आई विश कि किसी दिन मेरे घर में अंदर भी इंडोर में भी इतने प्लांट्स हों। आई नो इट्स क्रेजी बट आई जस्ट लव दीज प्लांट्स। तो बैल्कनी अब पूरी तरह से खाली भी हो गई है और क्लीन भी हो गई है। So see, this is how it looks. Now we can see the entire space which is available for the makeover. बस ये एक बड़ा मेरा लैला मजनू प्लांट है जो अंदर रह गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉट था तो मैं इसको बाद में मूव करूँगी। So this is the space. तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, जिस पे मैंने खर्चा किया है इस मेकओवर में, वो है ये प्लांट स्टैंड। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको क्विकली असेंबल भी कर लेते हैं। ये एक वुडन प्लांट स्टैंड है जिसमें कुछ इस तरह के प्लैंक्स हैं अलग से, और सारे पीसेज इसके अलग अलग हैं जिसको असेंबल करना है, और उसके साथ ही उसके सारे नट बोल्ट एंड एलन की आया है उसको टाइट करने के लिए, तो इसको मैं असेंबल कर लूँगी। एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट भी है, तो उसमें देखकर आप बड़ी ही आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं। इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू असेंबल दिस एंटायर स्टैंड, और ये देखिए ये तैयार है। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना एक वॉल हैंगिंग। तो ये जो अपनी एम्ब्रॉयडरी लूप्स होते हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे पुराने, तो उसमें मैंने एक टेबल क्लॉथ था क्रोशे का, वो मैंने यूज़ किया है, तो उसको मैंने इस पर फ्रेम कर लिया। वो काफ़ी पुराना था, साइड से कट गया था, तो मैंने फिर बचा हुआ यहाँ से काट कर निकाल दिया और इसको फ्रेम में लगा लिया है। और ये कुछ मैक्रमे के लीव्स हैं, ये मैंने काफ़ी पहले बना कर रखे थे, तो वो मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं एक स्ट्रिंग के साथ। इसी तरह से एक ही टिशू का मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, वो मैंने फ्रेम में लगा लिया। कोई भी जो आपको पसंद है, कोई सुंदर सा आपके पास मटेरियल कपड़े का रखा हो, तो वो आप फ्रेम करके यूज़ कर सकते हैं। ये मैं नीचे वॉक के टाइम पे एक वुडन स्टिक कोई पड़ी हुई थी, तो ये मैं उठा लाई हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया है, और इस पर ही मैं इस थ्रेड की, जो मैक्रमे थ्रेड है ये, इसकी हेल्प से इनको टाई कर लूँगी। तो आप कोई भी पैटर्न में, आप चाहें तो सिर्फ एक ही फ्रेम लूप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जितने भी लूप्स, दो तीन लूप्स, जैसे भी आप अरेंज करना चाहें, इस तरह से लूप्स को हैंग करके इस पर आप एक अपना पसंद का वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सामान हैं जो कि हम बैल्कनी के मेकओवर में यूज़ करने वाले हैं, और मैं वो आपके साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वही प्लांट स्टैंड है जो अभी हमने असेंबल किया है। सो नाउ इट इज़ रेडी।
ये एक स्टूल है मेटल का, ये हमने आइकिया से लिया था, तो लेट्स सी कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे कुछ ओल्ड फ्रेम्स हैं जिसमें मैंने पुरानी पेंटिंग्स लगा ली हैं, इसमें से भी कुछ यूज़ करेंगे। दिस इज़ द वॉल हैंगिंग जो अभी हमने बनाया है, और ये वो ट्रंक है जिसपे हमने इसको पेंट करके रेडी कर लिया है। हम इन चीज़ों का प्लेसमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये ग्रास कारपेट है, आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट, ये मैंने अमेज़ॉन से करीब 5 साल पहले लिया था। ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, इनको मैंने वॉश करके रेडी कर लिया है। ऐसी मेरे पास 3 शीट्स हैं 6 फीट बाई 3 फीट की, तो इनको ये इस बैलकनी में एकदम फिट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इनको ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर डाला है इस तरह से। और साइड्स में मैंने दोनों साइड जगह खाली छोड़ी है टू कीप प्लांट्स एंड डू द सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो दो मैंने वर्टिकली डाले हैं ये मैंने ओवरलैप कर दिए हैं, और जो तीसरा वाला है उसको मैंने हॉरिजॉन्टली डाला है और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दिया है। कुछ भी मैंने कट नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट अपार्टमेंट में फिर देखेंगे कैसी जगह होती है हमारे पास। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब हम जो हमने डिसाइड की थी जगह फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पर मैंने ये ट्रंक रख दिया है और उसके ऑपोजिट वॉल पर ये प्लांट स्टैंड प्लेस कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक पुराना प्लांट स्टैंड है, इसको प्लांट को थोड़ी हाइट देने के लिए मैंने ट्रंक के साइड में इसको रख दिया है, और इसके ऊपर मैंने रखा है मेरा फेवरेट लैला मजनू प्लांट। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, इसको मनी ट्री भी कहते हैं, तो इसको कॉर्नर में प्लेस कर दिया है। और इसके पास मैंने अपना जूट के दोनों बास्केट रख दिए हैं और उसमें भी प्लांट्स लगा दिए हैं, और यहाँ पर मैंने कम हाइट वाले प्लांट लगाए हैं। तो बेसिकली एक बड़ा प्लांट है, एक मीडियम हाइट का है और एक छोटा प्लांट है। तो दिस इज़ हाउ रूल ऑफ थ्री गोज। और साइड में मैंने एक और अपना रबर प्लांट रखा है। दूसरी तरफ भी मैंने, मेरे पास ये छोटे से स्टूल्स हैं जो मैंने ओशिवारा मार्केट बॉम्बे से लिए थे, उसके ऊपर मैं एक और बड़ा प्लांट रख रही हूँ। ये वही पॉट्स हैं जिनको मैंने ब्लू पेंट कर लिया है, ये ब्लैक कलर के थे। अब हम अपने स्टैंड पे प्लांट्स अरेंज कर लेते हैं। सो मेरे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे छोटे प्लांट्स हैं, तो एज़ पर दी लेंथ ऑफ द प्लांट मैं उनको रख रही हूँ जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल है। और कुछ बड़े पॉट्स हैं जिनको हमने कॉर्नर में प्लेस कर लिया है, और ये प्लांट्स मैंने यहाँ रेलिंग पे जो जैसे पहले लगे हुए थे उनको बस थोड़ा सा रीअरेंज करके वापस हम वैसे ही लगा देंगे। ऐसा सेट कि मैं कोई भी परमानेंट फिक्सचर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने किसी भी तरह का कहीं कोई कील नहीं लगाया है। तो जितने भी क्रीपर्स और हैंगिंग प्लांट्स हैं उनको मैंने इन प्लांटर्स में लगा के रेलिंग पे ही हैंग कर दिया है। अब मैं ग्राउंड पे कुछ प्लांटर्स रख लूंगी। चलिए अब वॉल हैंगिंग लगा देते हैं हम। दिस इज हाउ आई हैव हैंग्ड इट। अब मैंने वो जो ट्रंक था उसके ऊपर एक ये येलो कलर का टेबल कवर है वो मैंने फोल्ड करके इस पे लगा दिया है, और अब हम इसे कुशन से थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो ये वाइट कुशन्स हैं, सो बेसिकली इस कॉर्नर में येलो एंड वाइट का थीम जा रहा है पूरा। वॉल हैंगिंग भी वैसा ही है, तो मैंने कुशन और कवर भी वैसा ही रखा है, साथ ही मैंने एक ऑफ वाइट कलर का थ्रो भी यूज़ किया है। ये एक वुडन स्टूल है, मैं ये इंस्टेड ऑफ आइकिया के स्टूल मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है उससे, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और एक कुशन ज़मीन पे थ्रो कर लिया है, ये एक बुद्धा है वुडन, उनको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। सो दिस इज सनसेट का टाइम है ये अभी, तो देखिए यहाँ पर एक पाइप था उस पर मैंने एक ही अपना पैक्रमे हैंगर है जो मैंने बनाया था काफी पहले वो लगा दिया है। थोड़ा सा मैंने प्लांट्स शिफ्ट कर दिए यहाँ से वहाँ
टेबल पे मैंने कैंडल्स और एक मनी प्लांट रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक बैम्बू बास्केट रखा है जिसमें कुछ बुक्स रखी है। बुद्धा के साथ मैंने एक कैंडल भी रखा है, टी लाइट कैंडल। ये जो ब्लूम की एम्ब्रॉयडरी है ये मेरी डॉटर ने काफ़ी साल पहले किया था, तो इसको मैंने फ्रेम करके लगा लिया है यहाँ बालकनी में। ये क्यूट सा फिशेस का विंडचाइम है, वो भी मैंने यहाँ टांग दिया। एज आई सेड कि मैं वहाँ उस तरफ ओपन साइड में कुछ ज़्यादा हैंग नहीं करना चाहती बिकॉज इट्स वेरी हाई। Now I'll give you a quick early morning view of the balcony. So this is how it is looking in the morning. It's 7:30 a.m. and it's all bright and nice. इस वाले plant stand पे almost 11 plants आ गए हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। It's quite of utility. एक तरह से vertical gardening हो गई है इसकी वजह से। मेरे बहुत सारे प्लांट उस पर आ गए हैं और उसके आसपास काफ़ी स्पेस है अभी और भी प्लांट्स रखने के लिए। कुछ एक दो प्लांट्स थे वो मैंने दूसरी छोटी बालकनी में, जैसे कड़ी पत्ता, तुलसी, मैंने वहाँ रख दिया है। एक मेरे पास पुराना वुडन प्लैंक रखा हुआ था तो उस पर मैंने अपना ये प्लांट रखा है। Now this is how it looks in the evening. Thank you.
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये मेकओवर भी। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके शब्दों से, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।